इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 1583 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन, जापान के सहयोग से 186 करोड़ रुपए में बना कन्वेंशन सेंटर। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, संस्कृति और कला के जरिए जोड़ने का माध्यम बनेगा रुद्राक्ष। आतंकवाद पर बोले पीएम मोदी, यूपी में पैर जमा रहे आतंकवाद को खत्म किया। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में अब कानून का राज, माफिया और आतंक राज पर अब कानून का शिकंजा। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा कोरोना की दूसरी लहर अभूतपूर्व तरीके से संभाली। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नई काशी पूरी दुनिया के लिए बनी मॉडल। पीएम ने बीएचयू में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग का किया उद्घाटन, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन रहे मौजूद। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने रुद्राक्ष सेंटर को भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक बताया, कहा भारत के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है वाराणसी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शरद पवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने की बात को नकारा, कहा 5 राज्यों के चुनावों के बाद होगी समीक्षा। पंजाब के लिए फॉर्मूला तैयार, सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के साथ होंगे 2 वर्किंग प्रेसिडेंट, कैंपेन कमेटी के चीफ होंगे अमरिंदर सिंह। सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले से सीएम अमरिंदर सिंह नाराज, आलाकमान से नाराजगी जाहिर की, सूत्रों के हवाले से खबर। कैप्टन अमरिंदर ने फोन पर सोनिया गांधी से की बात, कहा सिद्धू के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा का बयान, हरियाणा कांग्रेस ने कोई फूट नहीं, सभी विधायकों को मिलने का अधिकार। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बड़ा दावा, करीब 100 विधानसभा सीटों के 70% बूथों पर एआईएमआईएम की पकड़। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी ने सौंपी रिपोर्ट, सीबीआई जांच के अलावा राज्य के बाहर ट्रायल का प्रस्ताव। एनएचआरसी की रिपोर्ट पर बोली ममता बनर्जी, एनएचआरसी ने लीक की रिपोर्ट, बंगाल के लोगों की छवि खराब करने की कोशिश। एनएचआरसी रिपोर्ट पर ममता ने पीएम से पूछा सवाल, यूपी में हाथरस से लेकर उन्नाव तक कई घटनाएं हुई, क्यों नहीं भेजा गया आयोग। संसद सत्र के दौरान दिल्ली जाएंगी ममता, राष्ट्रपति और पीएम से भी कर सकती है मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की डीआरडीओ की तारीफ, का रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ ने कई काम किए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को लिखा खत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन की सीमा 23 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की। राजद्रोह कानून को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग पर जताई चिंता। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी को रोकता है कानून, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज दबाने के लिए किया था इस्तेमाल। सीजेआई का सवाल, क्या आजादी के 75 साल बीत राजद्रोह कानून की है जरूरत, सरकार कानून को रद्द करने पर क्यों नहीं कर रही विचार। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, प्रशासन इसका दुरुपयोग करते हैं और कोई जवाबदेही तय नहीं होती। एलएसी के पास चीन की नई चाल, नाखुला से पास कंक्रीट कैंप बना रहा है चीन, भारत के बॉर्डर इलाकों में घुसने में मिलेगी मदद। बंगाल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 3 प्लान लाएंगी ममता बनर्जी, सुंदरबन और दीघा के लिए लाएंगी मास्टर प्लान। 16 अगस्त को होगी नारदा घोटाला केस में सुनवाई, कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा ये सुनवाई। 19 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के मिलेगा एडमिशन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। केरल में जीका वायरस के 5 नए केस सामने आए, राज्य में जीका वायरस के कुल 28 मरीज। सूत्रों के हवाले से खबर, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन ने अब तक नहीं किया वैक्सीन लाइसेंस के लिए आवेदन। वैक्सीन की कमी को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा प्रचार में कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे टीके की कमी हो जाए। वैक्सीन को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बयान, बंगाल को 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत, अब तक सिर्फ 2 करोड़ 12 लाख वैक्सीन मिली। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की बात, 1 करोड़ वैक्सीन के स्पेशल आवंटन की मांग की। देश में कोरोना के करीब 42,000 नए केस, 24 घंटे में 581 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 72 नए संक्रमित, 24 घंटे में एक कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। यूपी में कोरोना के 77 नए मामले, राज्य में कुल 1,399 एक्टिव केस। ओडिशा में कोरोना के 2,110 नए केस, 24 घंटे में 66 की मौत। कर्नाटक में दिसंबर तक नहीं होंगे जिला पंचायत के चुनाव, कोरोना संक्रमण को देखते हुए कैबिनेट का फैसला। शुक्रवार को आएगा महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं क्लास का रिजल्ट, मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है ये रिजल्ट। पुडुचेरी सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया वापस, कोरोना हालातों को देखते हुए लिया फैसला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना के चलते नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की। हड़ताल पर गए अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के इंटर्न डॉक्टर्स, कोविड अलाउंस न मिलने पर जताया विरोध। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा, गंगा किनारे हुक्का पीने और अश्लीलता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के डीजीपी का बयान, कांवड़ यात्रा स्थगित करने के फैसले को करेंगे लागू, बॉर्डरों पर सुरक्षा बलों की सख्त तैनाती। यूपी में कांवड़ यात्रा पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, बीजेपी खेल रही है हिंदू कार्ड, लोगों की नहीं करती परवाह। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जताई असहमति, कहा यह समय बड़े आयोजनों का नहीं। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव, पंत के अलावा ट्रेनिंग असिस्टेंट दयानंद गरानी भी हुए कोरोना संक्रमित। और टीम इंडिया बॉलिंग कोच भरत अरुण, विकेटकीपर रिद्धिमान साह और ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन थे गरानी के क्लोज कॉन्टैक्ट में, एहतियातन किए गए क्वारंटीन।
मीनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।